नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज दोस्तों मैं आपके लिए लाया हूं मोसेंडा का प्लांट, और वो भी पिंक कलर में। देखिए दोस्तों, समर में बहुत बढ़िया से खिल रहा है मोसेंडा, और इसके आज केयर के बारे में जानते हैं। पहला बात है दोस्तों, ये प्लांट बहुत सस्ता प्लांट है और पेरिनियल प्लांट है। एक बार आप लाते हैं तो आपके पास सालों साल टिकता है। इसका प्राइस दोस्तों होता है 50 से लेकर 100 रुपया के बीच में, और रेड का प्राइस थोड़ा हाई रहता है। ये पिंक बहुत सस्ता और ई टू केयर प्लांट है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया चॉइस है दोस्तों, और ऐसा किसी भी मौसम में ये फ्लावरिंग कर देता है। ऐसा कोई सीजन नहीं है पर्टिकुलर जो फ्लावरिंग ये करे, और मेनली ये स्प्रिंग टू समर तो बहुत अच्छा चलता है दोस्तों। विंटर में क्या होता है, इसका सारे पत्ते गिर जाते हैं और फिर नया नया पत्ते आते हैं आपका फरवरी में, और थोड़ा आप उस टाइम में फर्टिलाइजर देते हैं तो दोस्तों ये फूलों से भर जाता है। और हर ब्रांच के देखिए टॉप के ऊपर के हिस्से में आपको फूल दिखेगा, और यहाँ पे देखिए येलो स्टार जैसा निकला है इसका सेंटर में से, ये बहुत प्यारा दिखता है। और इसका दोस्तों येलो भी आता है, रेड भी आता है, लेकिन ये पिंक रॉफ एंड टॉफ है। इसको दोस्तों नीचे लगाने पर बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन आप अगर पॉट पे लगाते हैं तो कुछ ध्यान रखना पड़ता है। पहला है आपका पॉट साइज बड़ा रहना चाहिए। ये देखिए मेरा एक बकेट है, इसके नीचे मैं होल करके लगाया हूँ, और साइज काफ़ी अच्छा है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए वीड्स आपको दिख रहा होगा, और वीड्स मैं हटाया भी नहीं हूँ, क्योंकि समर में दोस्तों इसे मल्चिंग करने से अच्छा है आप ये वीड्स को रहने दो। ये रॉक वीड्स बोलते हैं, बहुत बढ़िया सॉफ्ट रूट रहता है इसका, ज़्यादा नीचे तक नहीं जाता है इसका रूट, और प्लांट को डैमेज नहीं करता है, और गर्मियों में ठंडा रखता है दोस्तों। ये वीड्स अगर आपके गमले में अभी आ रहा है तो समर में मत हटाइएगा। मैं दूर से आपको दिखा रहा हूँ, देखिए गमला और प्लांट देखिए दोस्तों, प्लांट का ग्रोथ देखिए और साइज देखिए उसका, बहुत बढ़िया और हेल्दी ग्रोथ आया है, और प्लांट फूलों से भर गया है, पूरा पिंक दिख रहा है देखिए। और जब इसमें फूल आता है दोस्तों, पत्ता छुप जाता है और फूल ज़्यादा दिखता है। चीज़ है इसका मिट्टी कैसे बनाना है, मिट्टी अगर अच्छा रखेंगे आप तो प्लांट का ग्रोथ और हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। इसमें दोस्तों 70% लीजिएगा नॉर्मल गार्डन सॉयल, और 30% लीजिएगा गोबर का खाद पुराना वाला, और कुछ भी नहीं है दोस्तों, उन दोनों को मिला के आपको पॉटिंग मिक्स बनाना है, और बड़े से गमले में इसको लगाना है। और ये देखिए प्लांट आपका जितना बड़ा रहता है पानी भी उतना रिक्वायर करता है दोस्तों। समर में इसमें पानी कम मत कीजिएगा, और दिन में मैं अभी 2 बार इसमें पानी दे रहा हूँ। अभी देखिए हमारे उड़ीसा में टेम्परेचर जाने लगा है 41 के ऊपर, और अभी भी ये देखिए इसका पत्ता भी बर्न नहीं हो रहा है और फूल भी ठीक है, तो फूल सनलाइट को ये झेल लेता है। ये फूल सन में रख रहा हूँ दोस्तों, सुबह से लेके शाम तक इसमें सनलाइट गिर रहा है, लेकिन आप रेड में ऐसा नहीं कर सकते, रेड को थोड़ा छुपाना पड़ता है, और विंटर में भी रेड का प्लांट डेड हो जाता है दोस्तों। लेकिन ये वाला बहुत बढ़िया रहता है, खाली पत्ता गिर जाता है इसका, फिर इसमें सूट आता है आपका फरवरी में। तो दोस्तों अभी जान लेते हैं इसके फर्टिलाइजर के बारे में, फर्टिलाइजर इसमें क्या देना चाहिए और कौन सा फर्टिलाइजर इसके लिए बढ़िया रहता है वो मैं बताऊंगा आपको। पहला बात है दोस्तों, ये एक बूसी प्लांट है, और बड़ा बहुत बड़ा साइज में आता है, नीचे अगर आप लगाते हैं तो करीब आपका 8-10 फीट तक भी चला जाता है, और प्लांट आपका जितना पुराना रहता है और ब्रांच जितना रहता है फूल भी उतना आता है, और फूल भी दोस्तों बहुत लॉन्ग लास्टिंग वाला है। तो इसमें मैं बोलूँगा बैलेंस फर्टिलाइजर आप दीजिए, NPK 19-19-19, और गोबर का खाद अगर गमले के टॉप लेयर में आप देते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है। हर एक महीने में ये काम आप कीजिए, NPK 19-19-19 एक लीटर पानी में 1 चम्मच घोल के उसको एक एक ढक्कन डालिए, और गोबर का खाद एक एक मुट्ठी डालिए दोस्तों इसका गमले का टॉप लेयर में। डिजीज की बात करें तो दोस्तों इसमें कुछ खास डिजीज लगता नहीं है, कीड़ा तो बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। अगर कुछ लगता है तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन देखिए प्लांट मेरा हर पत्ता साफ है और डिजीज फ्री है, और इसका फूल दोस्तों अभी रहेगा आपका 1 महीने के ऊपर, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग वाला फूल रहता है। देखिए ये सेंटर अभी ठीक से खिला भी नहीं है, सब सेंटर से स्टार एक ठो निकलेगा येलो कलर का, और वो मुझे बहुत बढ़िया लगता है दोस्तों, बहुत प्यारा दिखता है ये दोस्तों। स्प्रिंग से लेके आपका अक्टूबर नवंबर तक बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करता है, हर 2-3 महीने में ये आपको फूल दे देता है, और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग वाला फूल। और इसमें मैं अभी पानी दे रहा हूँ सुबह 8 बजे, और फिर दे रहा हूँ इवनिंग को 5:30-6 बजे दोस्तों, तो धूप के टाइम आप इसमें पानी मत दीजिएगा, और दिन में 2 बार अगर पानी देते हैं इसके फ्लावरिंग सीजन में तो बहुत बढ़िया रहता है।
क्योंकि दोस्तों गमले में लगा हुआ रहने पर बहुत पानी रिक्वायर करता है, और नीचे अगर आप लगाते हैं तो टेंशन फ्री है। और देखिए पिंक कलर में बहुत प्यारा प्यारा फूल, बहुत दिन तक ये चलेगा। इसका प्रोपागेशन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, ये स्टेम कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है, लेकिन रेड में आपको ग्राफ्टिंग करना पड़ता है और इसका एयर लेयरिंग भी चल जाता है। तो पिंक का कटिंग आप बारिश के महीने में लगा सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर चल मिलते हैं और एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।